ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, मतलब इनके थ्रू मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। और वैसे तो और सीरियल वगैरह ये रिश्ता क्या कहलाता है, चंदन नानी, ये अक्षय कुमार के साथ मूवी भी की है मैंने, यस, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। मेरे को अच्छा लगता है बहू का रोल, एक सीधी सादी लड़की का रोल बहुत अच्छा लगता है निभाना, इसीलिए मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा मैं एक नाना पाटेकर की मूवी आ रही है फरवरी से, उसमें मैं कर सकूँ। हमारे कैमरा दादा है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है मुझे काम करने में, लाइक आई एम फीलिंग लाइक दे आर नॉट ऑर्डरिंग मी और समथिंग, बट इतना अंडरस्टैंडिंग के साथ काम हो रहा है, सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एक्चुअली बोल्ड सीन्स आर लाइक मुझे बहुत कंफर्टेबली मैंने कर लिया, बिकॉज दे आर लाइक सपोर्टिंग मी वेरी अमेजिंगली, इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, एंड कहीं पर भी कुछ भी ऐसा वल्गर दिखे वैसे सीन्स नहीं लिए हमने, जितना चाहिए उतना ही हमने एक्सपोज दिखाया है। ये जो है इसमें हम लोग शॉर्ट शॉर्ट 10 स्टोरीज बना रहे हैं, बट वो मूवी है, यूट्यूब या सीरियल के लिए नहीं है। तो मूवी में पहली बार रोमांटिक कहानियाँ होंगी इसमें, अभी तक जो बना है हॉरर बना है, थ्रिलर बना है, तो ये हमारी 10 की 10 रोमांटिक कहानियाँ होंगी, और ऐसी होंगी जिसमें हर कहानी में एक यूनिक क्लाइमेक्स होगा। सेंसर की पूरी गाइडलाइन हम लोगों ने अपने माइंड में रखी है, उसी हिसाब से हमने सीन शूट किया है। कहीं भी कोई वल्गर नहीं है, थोड़ा सा बैक ओपन दिखाया है और एक दो लिटिल स्मूच दिखाया जो आजकल सीरियल में भी दिखाया जाए। देखिए, ये तो एक आर्टिस्टिक है कि हम लोग देखते हैं, अपना ब्लॉक वाइज देखते हैं, और लाइटिंग ये दोनों अगर बेहतर हो उसके साथ साथ नो डाउट डायरेक्शन और हमारे आर्टिस्ट अगर अच्छा प्ले कर दें तो सब मिला के बढ़िया हो सकता है। ये मेरे पास ऐसे भी कुछ लोग हैं कि मैंने टैलेंट देख के उनको लीड दिया है, मैंने और फिल्म किया है, बंदे में टैलेंट देखा लीड किया है, मैंने उससे ये नहीं बोला कि दोबारा 5 लाख दे मेरे को लीड के लिए, नथिंग, टैलेंट है बंदे में, देखता हूँ कि हाँ ये मेरा टाइम बचाएगा, क्योंकि टाइम कीमती होता है।